नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करेंगे जो अपनी सक्सेस के लिए मशहूर है। उनका नाम शायद आपने सुना ही होगा क्योंकि उन्होंने बिजनेस की दुनिया में खुद को साबित किया है। मगर सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका बॉलीवुड से भी गहरा नाता है। उनका बिजनेस एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हम बात कर रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर जय मेहता की। स्ट्रॉन्ग बिजनेस बैकग्राउंड के साथ ही उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी टॉप नॉच है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से बैचलर ऑफ साइंस किया और स्विट्जरलैंड के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से। जय मेहता के बिजनेस जर्नी की बात करें तो इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जय मेहता के बिजनेस की शुरुआत उनके दादाजी नानजी भाई कालिदास मेहता से हुई। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की शुरुआत की। नानजी भाई कालिदास मेहता के विजन ने एक ग्लोबल कांग्लोमेरेट बनाया जो आज सीमेंट, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स और इंजीनियर सेक्टर में काम करती है और दुनिया भर में 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया में भी उनकी दो कंपनियां हैं, सौराष्ट्र सीमेंट LTD और गुजरात सिद्धि सीमेंट LTD। जय मेहता की पर्सनल लाइफ भी कुछ कम नहीं है। सबको पता है कि मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटी जूही चावला उनकी पत्नी है, पर शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि जूही चावला जय मेहता की दूसरी पत्नी है। जय मेहता की पहली पत्नी सुजाता मेहता थी, जिनकी 1990 में एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। उस एक्सीडेंट के बाद जय मेहता बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, पर समय के साथ उन्होंने अपने आप को संभाला और लाइफ में आगे बढ़े। और फिर जूही चावला उनकी लाइफ में आई। डायरेक्टर राकेश रोशन की पार्टी में जय और जूही की पहली मुलाकात हुई। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। जूही चावला ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी डेटिंग पीरियड्स के दौरान जय मेहता हर दूसरे दिन उन्हें गुलाब के फूल भेजते थे। जूही ने बताया कि हर दिन मैं जहां भी गई वो वहां हमेशा फूल, नोट्स और गिफ्ट के साथ मौजूद रहते थे। मेरे बर्थडे पर मुझे याद है उन्होंने मुझे एक ट्रक भर के रेड रोज भेजे। मैंने सोचा ये इतने सारे फ्लावर्स का मैं क्या करूं। उन्होंने सब कुछ किया जो कर सकते थे। जब दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था तब जूही चावला ने अपनी माँ मोना चावला को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया जिससे वो पूरी तरह टूट गई। लेकिन इस सब के बावजूद जय और जूही कभी अलग नहीं हुए, बल्कि और करीब हो गए। जय ने जूही के मुश्किल टाइम में उनका पूरा साथ दिया। आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 1995 में शादी के बंधन में बंध गए। जय मेहता और जूही चावला की शादी के बाद उनका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो गया और दोनों ने मिलकर कई सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स शुरू किए, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर नाम भी शामिल है। जय मेहता KKR के को ओनर भी है जो IPL की थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। उनके दो बच्चे भी हैं, जानवी और अर्जुन। जानवी दूसरे स्टार किड्स से एकदम अलग है। जानवी को क्रिकेट का जबरदस्त शौक है। उनकी स्माइल देखकर लोग कहने लगते हैं कि 90 के दशक में जूही चावला की याद ताजा हो जाती है। जूही चावला ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बेटी को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि क्रिकेट का उसे काफी शौक है। कई बार जानवी मेहता IPL के ऑक्शन में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ नजर चुकी है। जानवी मेहता का एकेडमिक रिकॉर्ड भी एकदम टॉप नॉच है। उन्होंने हिस्ट्री में इंडिया में टॉप किया था, मतलब एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये थी जय मेहता की लाइफ स्टोरी जो एक कामयाब बिजनेसमैन और फैमिली मैन की कहानी थी। जय मेहता ने अपने बिजनेस एम्पायर को कामयाबी से चलाया और अपनी फैमिली को साथ में रखा। उनका बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस का राज उनकी सक्सेस को दिखाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।